बिंदिया। ओरे बिंदिया। कौन दिशा में आए हो? सामने तो आओ। वहां नहीं, यहां। हमारे सपनों के राजकुमार, ब्रेक लगा तो गिर गए बस। राम भली करे, अरे जरा सही सलामत पहुंच जा लड़के वालों के यहाँ। ये गोद बकरियाँ किसकी बिठाए हैं? अरे वो ये दद्दा की बकरी संभाले हुए। तुम्हें तो पता ही है कि लोगों की कितनी मदद करती है। राम भली करे, अगर बकरिया के सींग घुसघुसा गए ना कहीं तो ये बड़ी महंगी पड़ जाएगी मदद। और पिका टूटी फूटी लेके जाओगे लड़के वालों के यहाँ। ए बिंदिया, पर इधर बकरिया को। आज बहुत फिक्र सूझ रही है तुम्हें। जब जीजी के मरने के बाद हम घर लाए थे ना बिंदिया को, तब से तुम्हें एक आंख नहीं भाई बिंदिया। वहीं पे चिल्लाती थी कि हमारी दो ही बिटियां हैं, वो तो सिर्फ भांजी है। और एक बात बताएं, हम महसूस कर रहे हैं कि जब से वो नकलों वाले लड़के को दिखाने की बात हुई है ना, तब से कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रही है तुम बिंदिया का। राम भली करे, अच्छा ना करो तो बुरी बनो और अच्छा करो तो बुरी बनो। अरे उठाओ, डंडी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ जी आ रहे। अरे बस पहुंचने वाले हैं लखनऊ। हाँ। अरे ना आप फिक्र ना करो। नहीं। अरे राम जी भला करे, दुनिया उलट पलट हो जाए पर ई ब्याना होके रही। हाँ कितना दूर है नकलों, मुझे तो रहा ही नहीं जा रहा है। जानती है, हम नकलों अपने होने वाले दूल्हे से मिलने जा रहे हैं। हमारा ना बचपन से ड्रीम था कि हमारा शादी नकलों में ही हो। वैसे आपने मटर के गोलगप्पे के बारे में सुना है क्या? हम तो इतना सुने का बोले। इसे सच्ची बताए, हमें तो लगा इस बार हमारा सपना पूरा सच हो ही जाएगा। हम तो जितनी बारी आंखें बंद करते हैं, हमें सपनों का राजकुमार ही। अरे क्या करे है, सीट का टिकट लिया तो जाके सीट पे बैठना, वहाँ तो बैग भरे हुई है। बैग ना है, माई है अमरी। माई? माई है तुमरी? हम आज तक अपनी माई को ना ही देखे ना, तो एक बार मामा ने मटके पे तो आग बना दी और बोला ये है तुम्हारी माई। हमने भी मान लिया कि ये है हमारी माई, हमेशा साथ रखते हैं इनको, हम नकलों लेके जा रहे हैं। वो हमारे साथ रहेंगी, आशीर्वाद भी देंगी और सही सलाह भी देंगी। उठ पड़े, बार बार झपकी आ रही है, एक्शन करवाई का। चल उठा बैग और जाओ वहां बैग। अरे गोवर्धन अभी आ रहे हैं। अरे ये बैग को ऊपर रख बस पे, बाकी अटाई जी के साथ ये लड़की ने यहाँ बिठा रखा है बैग को। ठीक है रखते हैं भैया। अरे छोड़ो ये कंडक्टर बाबू। अरे ये क्या कर रहे हो हमारी बिटिया के साथ भाई? अरे वो तुम्हारी बिटिया है। बिंदिया मान जा बेटा। अरे मालिक जी तो छोड़। अभी तो बस तब आगे जाएगी जब ये बैग ऊपर रखाएगा और इसका तो हम बस में बैठने नहीं देंगे। क्या बात कर रहे हो तुम? हम भी भाइयों के साथ रहेंगे। चुप।
अगर चेहरे पे एक को खड़ा हो जाए ना तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। लखनऊ आने वाला है, सब लोग अपना सामान समेट लो। माई नखलऊ पहुंचने वाले हैं, तुम भी सूंग ले ही लो। नखलाओ के आकार देख लो हमें अच्छे से। आ गए हैं हम अपने सपनों के राजकुमार से मिलने। हमें सब पता है कि तुम कितने काबिल हो, सीएम तुम पे बहुत भरोसा करता है, पर हाँ वहां तुम्हें सिर्फ इज्जत और ओहदा मिलेगा उनके चीफ ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर होने का। हमारी मदद करोगे तो इज्जत ओहदे के साथ साथ ढेर सारा पैसा भी मिलेगा। इस वर्दी के सामने 10 लाख के सूट की कीमत 54 की होती है, समझे? देखो एसीपी, बेवकूफ मत बनो, हमारे साथ रहो, हमारे सर तुमको आसमान पे बैठा देंगे, फिर क्या चांद सितारे तुम्हारे पांव के नीचे होंगे। मुझे सिर्फ उन सितारों से मतलब है जो इस वर्दी के कंधे पर लगे। लगता है तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हें घुट्टी नहीं पिलाई। माँ का नाम नहीं लिया होता तो मैं तुझे सिर्फ गिरफ्तार करता, लेकिन अब खातिरदारी भी करनी पड़ेगी। बिंदिया, अरे बिंदिया तुम उधर काय देख रहे हो? वो देखो बिंदिया पहले ही जाके टेम्पो में बैठ गई है। आप भी जल्दी चलो लड़के बालों के घर, जाने में देर हुई रही है। जल्दी आओ, आओ चलो आओ आओ। चलो भैया। तुझे क्या लगा मैं भाग रहा हूँ? ना, भगा रहा था तुझे फंसाने के लिए। एसीपी तू फंस गया। फंस गया। <फस गया। laughs>
ढूंढते ढूंढते आधा नकलाओ देख लिया, कहाँ चले गए मामा मामी। चितू वही जगह है जो हमने सपनों में आती है। ये जगह वही है तो हमने सपनों का राजकुमार कहा है। हमारा सपना भी सच हो गया, स्वागत भी एकदम शानदार हुआ है। हट जाओ सामने से। नहीं करूंगा बाबू, गोली मत चलाना, अपनी माई टूट जाएगी। मैंने कहा हट जाओ। देखिए अपनी माई को दे दीजिए, मेरा गोली खा लेना दरोगा जी से। हम कोनो कान मतलब से लाए रहे माई को, वेडिंग होना है हमरा। मामा कह रहे छोड़ो माई को गोटा, हम ही जिद कर रहे। हमने माई को कुछ हुआ तो हम भी टूट जाएंगे। सामने से हटो। वो अपनी माई को लेकर भाग गया। माई हट। लड़की को ढाल बना दे। चल, चल अभी। लेके जाओ इसको। ए लड़की, ए लड़की, ले माला मुझे दे। ये तेरे लिए नहीं, मुख्यमंत्री साहब के लिए है, ठीक है? और अपने आप के मुख्यमंत्री समझ रही तू, ठीक है माला? हम काहे के सीएम, हम तो केवल मिसेज बनना चाहते हैं, सपनों के राजकुमार की। सच बनने आई है। मंगल ग्रह से आई हो क्या? छलनी बन जाता अभी तुम्हारा शरीर। अपनी जान जोखिम में कौन डालता है, वो भी एक सड़े से बैग के लिए। बैग ना है, माई है अमरी। क्या है? कहाँ जाना है? पता नहीं, पहली बार नकलों आए और रास्ता भुला गए। चलो चलो उतरो उतरो। हाँ पकड़ाए दे रहे, पकड़ाए दे रहे। हाँ इलो इलो, संभाल के। हाँ संभाल के, आराम से चल। बिंदिया चल उतर जा, यहीं उतरेगा है। अरे हम काहे उतरे? क्या हुआ? क्या तो बोली थी भाई? अरे हम तो बोले थे, मैं दोनों का कपड़ा एक जैसा है, पर तुम चट्टा बकरा जा नहीं मार सकते थे का? कच्चू काम के नहीं हो, अब हम कहाँ जवाब देंगे लड़के वालों को? अरे रुको, हम फोन करते हैं।
फोन तो होगा तुम्हारे पास? ये हाँ, वो तो हम भुला ही गए थे। सच में बड़े होशियार हो। फोन तो तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास कहाँ है भाई उका फोन? हैं? यात्रा के लिए बड़की से लेके दिए रहे उको भाई। अरे बड़की से लेके दिए रहा है, लेकिन अगर उके पास रहता तो बिचारा उसने खत्म कर देती। फिर बड़की का दिक्कत हो जाती। अब तुम कछु नहीं समझते हो। अब ये सोचो कि बिंदिया को ढूंढेंगे कैसे? हाँ शुरू शुरू एक काम करते, हम ना लड़के बालों के यहाँ चलते हैं। वो ना बहुत बड़े लोग हैं, अब वही मदद करिए, वही ढूंढिए बिंदिया का। हाँ चल हम गोंडा से आए हैं। हाँ आइए आइए, इधर आइए। देखो जल्दी आओ, कितना बड़ा घर है। जल्दी जल्दी आओ, बहुत अच्छा घर है। घर की बड़ी बहू ऐसे लप्पू छाने की तो आने वाली छोटी बहू क्या खाक सीखेगी? अरे तुम्हारी उम्र में थे तो हम मेट्रो से भी ज्यादा फास्ट थे, इतने समय में तो इस घर को 4 बार साफ कर चुके होते। अरे ऐसे 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 जा करके ना शीशे में देख, जैसे हमने तुझे चमकाया है ना वैसे इन्हें भी चमका देना। ले हट, तिहारों की जय हो। राम राम जी। लड़की कहाँ है? नंबर याद है कि नहीं? 9 8 9 8 72 3 जोड़े 75 6 जोड़े 81 वर्गमूल 9। हाँ मतलब 9 8 2 7 5 6 8 1 9। ये लो। हेलो हेलो मामा। बिंदिया फोन फोन बिंदिया की बिंदिया कहाँ हो बिटिया? हमारी जान हलकान हुई गई। ये कहाँ बताएं मामा, पूछो मत। जैसे ही बस से उतरे थे सामने से एक दरोगा बाबू गुंडे का पीछा करते हुए, और उस गुंडे ने हमसे हमारी माई को। हाँ लड़की ठीक है, तुम पता बताओ। लिखिए भारद्वाज निवास गोमती नगर। आप इस पते पर हैं? हम लड़की दिखाने आए हैं ना गोंडा से, पर लड़की बिछड़ गई, आपकी कृपा से मिल गई है फोन करने के लिए, धन्यवाद आपका। हाँ ठीक है चलो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। बैठे जीपा में क्यों? छोटी गाड़ी है, हेलीकॉप्टर मंगाओ तुम्हारे लिए। वाला नारे दया, तुम्हें तो 4 मंजिला में झपका ही आवे। डर में तो हम तो मर ही जाए, हमने लिए तो जीप ही ठीक है। चलो सीट बेल्ट पहन लो। Iska mera maan
भला मानुस मिल गया हमारी बिंदिया को, वो छोड़े दे रहा है वो को घर तक। राम भली करे, हमारी जान तो बेकार है, मैं हल्काए हुए जा रही थी। राम भली करे, बिटिया मिल गई है, नाजो से पाली लल्ली हम। हथियारो की जय हो, नाटक कर रही हैं। हम ना जानते कि तुम ये रिश्ता क्यों कर रहे हैं। तुम तो यही चाहती हो ना कि तुम्हारी दोनों लड़कियों का रिश्ता अच्छे घर में हो सके। सही बात तो आप ही सबसे छुपा रही हैं। आपके लड़के की कुंडली में तो साफ साफ लिखा है कि उसकी पहली बीवी की मौत हो जाएगी। ऐसी पत्री देख के कौन अपनी बिटिया भी आएगा? बिटिया ना देंगे, पर तुम जैसी मामी भांजी तो दे रहे हैं। तो बस आपका भी काम हो गयो और हमारा भी। बिरजो। हाँ मालकिन। जाओ इन्हें अतिथि कक्ष में लेकर जाओ। हाँ। देख रहे हैं जनाब, यही कि हमारे भैया हीरो जैसे दिखते हैं। यही है दूल्हा जी? हाँ जी, यही है हमारे अभय भैया, एसीपी अभय भारद्वाज। ये तो सही का राजकुमार। हमारी बिंदिया के तो भाग्य खुल गए। भोले बाबा, हमको ऐसा ही वर दीजो। ऐसी गवार हमारी पत्नी कभी नहीं बन सकती। ये गाड़ी बीच सड़क पे काहे रोक दी? मामा का यहाँ लेने आएंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। इनका नाम बिंदिया है, इन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ाइए, गोंडा की ट्रेन में बिठा दीजिएगा। ठीक है सर। अरे आपकी आदाश कमजोर जान पड़े है का? हमें गोंडा नहीं, मामा के पास जाना है। बात तो हो ही रही आपकी, पता नहीं बताएगा। तुम्हारे मामा ने कहा कि रिश्ता नहीं हुआ, वो भी स्टेशन पर ही आ रहे। ना सना हो सके, 16 सोमवार की है, सुबह भी भोले बाबा को हाथ जोड़ के ही निकले रहे। हम भी कह रहे रिश्ता तय है, हमें मामा से बात करनी है, अभी करनी है। नहीं हुआ तुम्हारा रिश्ता लखनऊ में। तुम्हें तो यहां से ऐसा लग रहा है शिव पार्वती की मूर्ति शिव पार्वती ने स्वयं संभाली है।
बिंदिया सरकार, सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर। आगे के एपिसोड के लिए देखिए सिर्फ दंगल टीवी चैनल।